कृष्ण बलराम खेलते खेलते सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए ना वो एक ही चीज प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। सब एक ही चीज प्रार्थना करते हैं। और जब कृष्ण बलराम के ऊपर में कोई भी विपत्ति आए, गोबर और गोमूत्र से मैया उनको स्नान कराती है। भले भैया क्या इसमें गोमूत्र नहीं, इसको चलाने का जरूरत है, छोड़ दो। कभी ये गोमूत्र और गोबर से इसमें है क्या चीज, गर्मी लग रहा है ना, गर्मी लग रहा है, हवा नहीं रही, ये बड़े तेज आवाज आते हैं, गर्मी लग रही है, चला दो, गर्मी लग रही है। हरे कृष्ण, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं गोमूत्र और गोबर से मैया हमें स्नान करा दी। बोले गोमूत्र गया में है क्या चीज, तो हम दोनों को स्नान करा दी। एक दिन वहां पर कुछ गैया बंद हुए थे, कृष्ण बलराम वहां पर गए और जाकर के जितने गोबर गोमूत्र वहां कीचड़ था ना, वो सारा शरीर को उन्होंने पोंछ लिए। चुपचाप बैठे हुए मैया यशोदा सोच रही है ये दोनों दुष्ट गया अभी खेल रही है। बोले कन्हुआ तुम दोनों कहाँ हो, बोले यहाँ कर रहे हो, देखा पूरा गोमूत्र से एकदम सन्ने हुए। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले अभी अभी तुम दोनों स्नान किया और अभी अभी तुम सारे श्रृंगार लगा। मैया को दोनों का कान पकड़ लिए, पकड़ करके मैया कह रहे क्यों रे, क्या तुम पूर्व जन्म में क्या तुम दोनों सुअर थे, सुअर कीचड़ में लोटू खाते हैं, कृष्ण अपना सर ऐसे लाए। बोले मैया मैं तो पहले सुअर ही था, क्योंकि भगवान ने सत्य युग में भगवान बराह अवतार लिया था, ये बराह अवतार सुअर का अवतार। बोले मैया हम तो सोचते लेकिन तभी से पता चले गया। फिर मैया ने दोनों को स्नान कराया, फिर सुंदर श्रृंगार गाए। आज भगवान ने शिक्षा दे, देखो कि जो गोबर और गोमूत्र और जो ब्रज रज ना वो साधारण वस्तु नहीं है। अब जो बड़े बूढ़े हमको पता होगा, अब तो संकट हो गया। पहले क्या कहते घर को गोबर और मिट्टी से सब सब पोतते थे, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र वस्तु है। अभी भी पवित्र वस्तु के लिए गोमूत्र और गोबर से हम छिड़काव करके घर को पवित्र करते हैं। इसलिए पहले यही सब रीति रिवाज थी, इसलिए लोगों का जो बीमारी है ना बहुत कम। बिलाते बिलाते मैया तो बहुत डरी हुई, बोले बिना कारण के कारण ये राक्षस लोग मेरे लाला को पीछे हाथ धोकर के गए। मैया सोच रही है हो ना हो लाला का पेट खराब नहीं हो जाए। इतना जब उन्हें सोचे कृष्ण थोड़ी सी जंभाई लिए, जंभाई लिए तो इतना दूध से विश्व ब्रह्मांड तेरे दूध से पल रहे हैं मैया, इसलिए कोई चिंता मत कर, तेरे बेटा है ना वो साधारण नहीं, मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ।
इसलिए मेरे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम एकदम चिंता मत करो। अब कृष्णा धीरे धीरे जब बड़े हुए, एक दिन कृष्णा खेलते खेलते सखाओं के साथ में ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। जब ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, कृष्ण सोच रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि सबसे सब एक चीज की प्रार्थना की, जैसे श्री उद्धव जी जब ब्रज में आए, जब ब्रजवासियों की महिमा को देखे, उद्धव जी कहते हैं तद्भोरी आशा मोचन रेणु जुसांग महंग श्याम वृंदावन किमपि गोलमल सौधनाम। ये उद्धव जी कह रहे हैं, कहते क्या मेरा ऐसे कभी सौभाग्य होगा। बोले क्या सौभाग्य है, तो ब्रज में उन्होंने तीन चीज की प्रार्थना की। बोले ब्रज में घास बनकर जमा हो जाए। बोले क्यों, बोले गोपियां जब उनके साथ में मिलने जाएगी, चल करके जाएगी, अगर घास बच ना, फिर उनकी चरण की हमें धूल मिली। उन्होंने बोले लता बनने के लिए, बोले लता की बन गए। बोले प्रभु जब कुंज कुंज में लीला करेंगे, अगर लता बने रहेंगे तो प्रभु का दर्शन हो जाएंगे। बोले वहां की औषधि बन जाए। बोले क्यों, बोले जब ब्रजवासी कोई बीमारी में पड़ेंगे दवा तो लेंगे ही, अगर हम औषध बनेंगे तो क्या होगा, उनके हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति वहां के एक धूल बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते ब्रह्मा भी वो भी एक ही चीज चाहते हैं, कहते मैं तो पत्थर बन जाऊं, वहां के जो जाति के लोग मेरे को पत्थर मांग करके अगर चरण रगड़ेंगे तो अगर उनकी चरण धूल मिलेगा मैं अपना जीवन को धन्य मानूंगा। हैं शंकर जी वो भी गोपी बन करके आते हैं, नारद जी आप देखना जितने सारे भक्त है ना, सबके सब रज रज चाहते हैं। इसलिए रसखान कहते हैं जमुना अगर ब्रज आकर के दो चीज आपको ग्रहण करनी चाहिए तभी ब्रज महिमा समझोगे। बोले क्या है, रमन रेत लेट और नहीं और जमुना पार। वृंदावन में आकर के रमन रहती है जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ में लीला करती है। बोले जाकर क्या करो, में लोट मोट उठाओ और दूसरी चीज करो जमुना के पानी को आचमन लो हैं, तभी ये ब्रज की महिमा को समझ सकते हो। इसलिए एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खा ली। सखाओं ने बोले कन्या मिट्टी मत खाया कर, पेट खराब हो जाए। लेकिन बात नहीं सुने, मिट्टी खाते जा रहे, मिट्टी खाते जा रहे। फिर सखाओं ने जाकर के मैया से जुगली कर दी। बोले मैया आज कन्या इतना मिट्टी खा रहे, किसकी बात ही नहीं सुन रहे। मैया बोले अभी तक विश्व ब्रह्मांड का मालिक सारा दुनिया की कान पकड़ा के वही बुलाते बैठाते हैं।
मन में क्यों विश्व ब्रह्मांड तो ठाकुर को मुंह में कृष्ण सोचे अगर मैया को ये विश्वास हो गया मेरा भगवान बेटा है फिर क्या करेगी। जैसे घर में सालग्राम उनके लिए जैसे छोटा सा मंदिर है और उसमें सालग्राम रख करके थोड़ी मिठाई भोग लगा देती हैं और घंटा हिला के बोले तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बन्धोस्त सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविण तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव। भैया क्या करती है भोग लगा देती है फिर दरवाजा बंद कर देती है। अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर मेरे लिए क्या करेगा एक छोटा सा मंदिर बनाएगी मंदिर के अंदर मेरे को डालेगी और थोड़ी सी मिठाई भोग लगा देगा ना फिर दरवाजा बंद कर देगी। फिर मैं जो सखाओं को साथ में ये लीला करता हूँ फिर तो लीला ही हो। अभी जब मन में इतनी सी भावना आई ना इच्छा सी योग माया तो रह गई विसर्जन करने जा रहा था लेकिन माँ जसोदा जसोदा मतलब सबको जो जस सबको जो आदत है दूध गिरना नहीं मैं तेरे को कृष्ण सेवा करूंगी थोड़ी सी रुक जा। मैया बोले कन्या थोड़ा गोद से उतर जा। बोले क्या आधा पेट भरा नहीं बोले गोद से उतर जा। मैया देखो भरपेट मिला करके तुम जाएगा। मैया रोज देख रही है इधर फूल भी उपन रहा है और उधर दूध भी उपन रहा है ये दोनों उपन रहे हैं तो मेरे को क्या करनी चाहिए। अगर ये दूध उतल करके अगर आग में गिर जाती है ना ये बच्चों का अमंगल है उस मलाई नहीं बनेगी। फिर मेरे तन में जो दूध लाला के लिए है ये कभी तो पी सकता है लेकिन अगर दूध उतल कर गिर गया तो लाला का अमंगल होगा फिर मलाई नहीं बनेगी फिर मक्खन कहां से लाऊंगी। सोचा पहले ये दूध हमें रखा करनी चाहिए। बोले लाला थोड़ी सी उतर जा। बोले नहीं जैसे बंदर पकड़ते हैं ना बच्चों बंदर बच्चा जैसे माँ को पकड़ लेती है
कृष्ण तो ऐसे ही मैया को जोर से पकड़ ली, बोले मेरे को घर पेट पिला करके जा। मैया बोले उतरोगे नहीं, कृष्ण को पकड़े और जोर जबरदस्ती वहां पर बैठा दी। कृष्ण रोते ही गए, मैया जाकर के दूध रखा गिरी। इधर कृष्ण देखना जब बच्चों को क्रोध आ जाए ना, सामने जो कुछ देखा फेंक फांग दे। कृष्ण ने देखा मैं दिखाता हूँ तेरे को इतने दूध तू बचा, वो अटकी था इतना बड़ा। आप कभी नंदगांव गए हो? नंदगांव कौन कौन गए हो? वहां पर वो मटकी कहां पर आप देखोगे? एक मटकी है इतना बड़ा मटकी और इतने मोटी सी मटकी। कृष्ण को कृष्ण कोशिश को पकड़ करके हिलाने के लिए, लेकिन उसके लाए वहां पर देखा गया पत्थर पर्वता उठाया मटकी के मार मारती मटकी फूल गई और वो खाता छाछ वो धीरे धीरे निकलने लगा। कृष्ण तो बड़े खुश हो रहे, आज मैंने मटकी फोड़ दी। हमें फिर देखा कर मैया आएगी, अगर ये मटकी फूटते हुए देखेगी ना, बोले एक डंडा नीचे नहीं मेरे पीठ के ऊपर पड़ेगा। कृष्ण वहां से दूसरे घर में गए, जा रहे थे उखल को ऊपर खड़े हो गए। आप उखल जानते हो? बताओ तो। हाँ सब जानती हो, पहले ना हरे कृष्णा। हाँ यहाँ पर बैठो, यहाँ मत जाया करो, कोई तार हिल रहा है। जो बैठते ना आपका डर से ये काम करता है। बोले जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ हरे कृष्ण। अभी कृष्ण है हाँ उखल है, पहले वो सब मशीन मशीन लकड़ी होता था, गड्ढा से होता था और एक होता था क्या होता था लकड़ी, उसको हाथ में भुरमुस जैसे हाँ गेहूं भी उससे बनाते थे, चावल भी उससे निकालते थे, इसलिए शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। मसला भी पीसते थे, कपड़ा भी धुलाई करती थी, शरीर ना बढ़ जाता था, तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन हर चीज के लिए अभी मशीन निकल गई, इसलिए बूढ़े बनते जा रहे हैं और तरह तरह का बीमारी आ रही है, तरह तरह से। और पांडित कैसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, बोले कैसे उनको पा सकते हैं? बोले सही जाने जा रहे देहु जाना, अगर भगवान की कृपा करके जिसको जानते हैं केवल वही उनको जान सकता है। कृष्ण को पता था मैया तो मेरे को ढूंढेगी लेकिन मेरे को पा नहीं सकती, क्यों बड़े बड़े ऋषि लोग भी जिनको पा नहीं सकते हैं, इसलिए कृष्ण सिखा देते हैं अगर दिन से उनको पुकारना ठाकुर जरूर मिलते हैं, ठाकुर जरूर ठाकुर मिलते हैं। इसलिए उन्होंने चढ़ा ठाकुर छोड़ते छोड़ते गए। मैया ने एक लपटी ली, बोले वो चोर गया कहाँ, देखा कौवे और बंदर को मक्खन खिला रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया, खून तो खाया नहीं अब किसको खिला। मैया ने सोचा कुछ दंड देनी चाहिए। कृष्ण ने जब देखा मैया मेरे को पकड़ने जा रही है, वहां से लाख लगाए और मेन रोड में कृष्ण निकल गए। बोले मेन रोड में क्यों निकल गए? पहले माता है, माता का काम घर का सारा काम थोड़ी संभालती थी, घर सारे काम पुरुष करते थे और घर का काम करती थी। ये माता क्या करती है, इसे कृष्ण का है ये घर लेकिन हम क्या सोचते हैं, और जब
करना चाहिए, इसलिए स्त्रियां सती बलिया करती और बाबा जब अपना परिवार एक महीना घर में इसलिए कृष्ण को बताया था ये घर की माँ ये घर से बाहर नहीं गई, इसलिए मेरे बच्चा घर से निकल जाता, लेकिन उसी से दीपावली सारे पुरुष लोग कोई बैठ गए थे, सब सब दीपावली मना लिए, गोबर घर में चले गए, मैया बोली कहाँ जाओगे तू, सोच रहे हो घर का मैं बाहर नहीं निकलूंगी, आज कोई बैठे उस लोग सब बाहर गए, इतने मैया को बिछा